दोस्तों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मो अनुस्वार संधि। मो अनुस्वार संधि ये क्या होती है? इस मय के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार क्या होता है ये जानेंगे हम। इसको अनुस्वार बोलते हैं, लाइन के ऊपर जो डॉट सी है इसको अनुस्वार बोलते हैं। इसका सामान्य सा नियम है, यदि हम जान लेते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, मय है और मय के बाद में कोई भी व्यंजन हो, कोई भी व्यंजन हो मय के बाद में, तो इस मय के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है। ऐसे मय के स्थान पर क्या हो जाता है? अनुस्वार हो जाता है मय के बाद में कोई भी व्यंजन होने पर। तो देखिए, उदाहरण देखते हैं। ग्रहम प्लस चलती, ये उदाहरण। ये देखिए, यहां पर क्या है? मैं, और इधर क्या है? व्यंजन। इधर क्या है? व्यंजन। तो देखिए, मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। ऐसे तो संधि करेंगे हम, कैसे? ग्रहेम इस प्रकार से अनुस्वार लगाएंगे, और चलती किसके स्थान पर अनुस्वार हुआ है? इस मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ, कौन सा? ये। ठीक है, तो संधि करेंगे तो मय के बाद में कोई भी व्यंजन होता है तो इस मय के स्थान पर ऐसे अनुस्वार कर देंगे, तो हमारी संधि क्या हुई? ग्रहम चलति, ग्रहम चलति। दूसरी संधि देखिए, हरिम वंदे, हरिम वंदे। अब यहां पर देखिए, इस मय के बाद में क्या है? व्यंजन है वह। मय के बाद में क्या व्यंजन है? वह है, तो इस मय के स्थान पर क्या करेंगे? हरिम और वंदे इस प्रकार से संधि करेंगे, हरिम वंदे। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण और देखिए। जैसे ग्रहम प्रच्छति, ग्रहम प्लस प्रच्छति। ठीक है, तो यहां पर भी मय के बाद में क्या है? पय है। मय के बाद में क्या है? पय। पय ऐसे री लिखते हैं, इसे प्री इस प्रकार से, लेकिन पहले तो व्यंजन प आया, पहले व्यंजन क्या आया? प आया। तो यहां पर क्या करेंगे हम? इस मय के स्थान पर अनुस्वार कर देंगे, ग्रहेम और प्रच्छति। इस प्रकार से आंसर होगा, ग्रहेम प्रच्छति, ये हमारी संधि हो गई है। नेक्स्ट उदाहरण और देखिए, नेक्स्ट उदाहरण और देखेंगे। पाठम स्मृति, पाठम स्मृति, पाठम स्मृति। मय के बाद में क्या है? स है, व्यंजन है, तो इस मय के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा, पाठम स्मृति। ये तो हुई संधि की बात। अब हमें कहा जाए कि पाठम स्मृति आ जाए, इसका संधि विच्छेद कीजिए। तो आपको यह देखना है कि इस अनुस्वार के बाद में यदि कोई व्यंजन आता है, अनुस्वार के बाद में यदि कोई व्यंजन आता है तो इस अनुस्वार के स्थान पर क्या कर देंगे आप? मैं कर देंगे। अनुस्वार के स्थान पर क्या कर देंगे? मैं, पाठम और स्मृति इस प्रकार से कर देंगे। यह संधि विच्छेद हुआ, यह संधि हुई, यह संधि हुई। क्या? देखिए, मैं के बाद में व्यंजन आता है तो मैं के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं। हमें कहा जाए कि पाठम स्मृति, यह संधि है और इस संधि का विच्छेद कीजिए आप। तो विच्छेद कैसे करेंगे? देखिए, अनुस्वार के बाद में कोई व्यंजन आता है तो इस अनुस्वार के स्थान पर क्या कर देंगे हम? मैं कर देंगे। अनुस्वार के स्थान पर क्या करेंगे? मैं कर देंगे। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, जैसे चित्रम रचयति, तो मैं के स्थान पर क्या हो जाएगा? अनुस्वार। क्या अनुस्वार, क्या आंसर हो जाएगा इसका? चित्रम रचयति, इस प्रकार से संधि हो जाएगी, चित्रम रचयति। उसी प्रकार से वाटिकायाम प्रति, तो संधि क्या करेंगे? वाटिकायाम और प्रति, ये संधि हो गई। संधि विच्छेद करने के लिए कहा जाए
तो इस अनुस्वार के बाद में क्या है, व्यंजन है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर क्या करेंगे आप, मैं करेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आप म अनुस्वार संधि सॉल्व कर सकते हैं। एक उदाहरण और लीजिए, यह तो हुई व्यंजन की बात। अब संयोग, इसको गलती से आप संधि मत कीजिएगा। जैसे मैं के बाद में यदि कोई स्वर आता है, मैं के बाद में कोई स्वर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, संयोग बोलते हैं, संयोग बोलते हैं। जैसे त्वम धन आगच्छसि, ये उदाहरण है। त्वम धन आगच्छसि, तो मैं के बाद में क्या आया, आ आया। तो क्या करेंगे हम, जैसे मैं में आ यदि जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, मां, क्या हो जाएगा, मां हो जाएगा। तो इसको किस प्रकार से जोड़ेंगे, त्वम मां, और यहां से आ जोड़ दिया, इसमें आ की मात्रा इसमें में लग गई, तो मां गच्छति, त्वम आगच्छसि, इस मैं के बाद में स्वर आया। तो मैं के बाद में यदि कोई स्वर आता है तो उसकी मात्रा इसमें जुड़ जाएगी, केवल एक ही मात्रा नहीं होती है। कैसे, वो भी देखिए। जैसे त्वम अगच्छ है, ये है, तो इस ए की मात्रा नहीं होती है, तो ए इसमें जुड़ जाएगा तो इसका हलंत हट जाएगा, तो क्या लिखेंगे, त्वम गच्छ है, इस प्रकार से ये बन जाएगा। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं के बाद में यदि स्वर होता है तो वो होता है संयोग, ठीक है। कहीं हम इस संधि के स्थान पर ये कर दें तो ये हमें ध्यान रखना है। ये मौनस्वार संधि है, मैं के बाद में व्यंजन होना चाहिए, उसी को मौनस्वार संधि कहेंगे। यदि मैं के बाद में यदि स्वर है तो उसको मौनस्वार संधि नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, संयोग कहेंगे, संयोग कहेंगे, जो आपके सामने स्पष्ट हुआ है, ठीक है। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।